आज हम इन्हें कराएंगे शशांक आसन, जो किस तरह बुद्धि को तीव्र बनाता है, कुशाग्र बनाता है और एकाग्रता बढ़ाता है। आप दोनों शशांक आसन करेंगे, वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर बिल्कुल सीधा, मुंह सामने की ओर, श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर लाएं, बिल्कुल सीधे तने हुए हाथ, भुजाएं कानों पर, दोनों हाथ आकाश की ओर, जैसे आकाश छूने का प्रयास करते हो इतने आकाश ताने आकाश की ओर हाथ, गर्दन और भुजाएं पीछे करें, श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ, धीरे धीरे श्वास निकालते जाएंगे, कमर के नीचे के भाग से झुकेंगे, मस्तक भूमि पर लगाएं, श्वास सामान्य, श्वास धीरे धीरे लें, शरीर ढीला छोड़ें, शरीर बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचें, कानों के पास। अब अपने ध्यान को माथे के बीच में, जहां बिंदी लगाते हैं, लेके जाएं, शरीर ढीला छोड़ें, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे बुद्धि दो, बल दो, मैं पढ़ने में मन लगाऊं, तुम्हारे से ध्यान लगाऊं, माता पिता का कहना मानूं, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो, जब मैं स्कूल जाऊं तो अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करूं, किसी को निंदा ना करूं, पढ़ने में खूब मन लगाऊं, और जो मेरी शिक्षक है जो मुझे पढ़ाते हैं उनका बहुत सम्मान करूं, उनको रोज प्रणाम करूं, और भगवान मैं तुम्हें भी रोज प्रणाम करूं, इस तरह की मुझे शक्ति दो। और इस बात को मन में कई बार दोहराओ, शरीर ढीला करो, बिल्कुल शरीर ढीला, कोई और बात नहीं सोचेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचेंगे, और ऐसा तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि हां ऐसा ही होगा। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ सामने की ओर तानो, शरीर में तनाव ले आओ, जो भी शरीर में नर्म लाए थे अब तान लो शरीर को, दोनों हाथ तानो और गहरा श्वास भरते हुए बलपूर्वक ऊपर की ओर आओ, आकाश की ओर आते जाओ, आते जाओ, मुंह सामने की ओर, गर्दन पीछे, बिल्कुल पीछे, कंधे पीछे, दोनों हाथ तानते हुए दाएं बाएं, घुटने पे वापस, श्वास सामान्य, श्वास बिल्कुल सामान्य, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, हंसी का भाव लाएं, जैसे अच्छा लग रहा हो। तो अभी हमने बच्चों को कराया शशांक आसन। शशांक माने होता है खरगोश, कितना कोमल, सुंदर, स्वच्छ, सफेद, निरीह सा जानवर, पशु। बच्चे खरगोश जैसे ही तो हैं, नरम और सुंदर, लेकिन बच्चों के मन में मनुष्यों ने कारण ईश्वर के प्रति भक्ति, अपने बड़ों के प्रति सम्मान और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा को लाने के लिए शशांक आसन बहुत उपयोगी है। इसमें रक्त संचार पूरी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, गर्दन से होता हुआ मस्तिष्क की ओर आता है, माथा जमीन पर टिका होने के कारण भक्तिभाव उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों के लिए जब भक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो भक्ति नहीं है जो बड़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों की भक्ति अपने अध्ययन से, अपने शिक्षक से, शिक्षिका से, माता पिता से, अपने सहयोगियों से,
ये प्रेम है, सहयोग का भाव है, वही भक्ति है।